क्या आप भी अपने WhatsApp स्टेटस को अपने रिश्तेदारों से हाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ WhatsApp स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने WhatsApp स्टेटस को किसी भी इंसान से हाइड कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। WhatsApp स्टेटस प्राइवेसी लगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब जैसे ही तुम WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन में चैट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें सिंपली अपडेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें राइट साइड में थ्री डॉट्स वाला आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, यहाँ पर तुम्हें स्टेटस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब तुम्हारे फोन में स्टेटस प्राइवेसी का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हें तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस की मदद से तुम अपने WhatsApp स्टेटस की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो यदि तुम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हो जो कि है माय कॉन्टेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि जब भी तुम WhatsApp स्टेटस अपडेट करोगे तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर सेव है उन सभी को तुम्हारा WhatsApp स्टेटस दिखाई देगा। यदि तुम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट को सेलेक्ट करना होता है जिनके साथ तुम अपना WhatsApp स्टेटस शेयर नहीं करना चाहते, मतलब कि जिनसे तुम अपना WhatsApp स्टेटस हाइड करना चाहते हो। तो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। अब तुम्हारे सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अब जिस किसी से भी तुम अपने WhatsApp स्टेटस को हाइड करना चाहते हो यहाँ पर तुम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट कर लेने के बाद तुम्हें नीचे दिख रहे राइट के बटन पर क्लिक करना है। अब आता है तीसरा ऑप्शन जो कि है ओनली शेयर विद। यदि तुम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखते हो तो यहाँ पर तुम्हें उन लोगों को सेलेक्ट करना होता है जिनके साथ तुम अपना WhatsApp स्टेटस शेयर करना चाहते हो। तो अपने कॉन्टेक्ट डिटेल में से उन लोगों को सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इंक्लूडेड पर। अब तुम्हारे सामने कॉन्टेक्ट डिटेल्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली तुम उन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो जिनके साथ तुम अपना WhatsApp स्टेटस शेयर करना चाहते हो। लोगों को सेलेक्ट कर लेने के बाद तुम्हें नीचे दिख रहे इस राइट के बटन पर क्लिक करना है। तो ये है WhatsApp स्टेटस की तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। अब जब भी तुम अपना WhatsApp स्टेटस अपडेट करोगे तो तुम्हें नीचे ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ से तुम अपने WhatsApp स्टेटस की सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हो और नीचे डन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा WhatsApp स्टेटस शेयर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे आप आगे आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।